नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। निकट भविष्य में, या यूं कहें कि जल्द ही, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का गठबंधन होने जा रहा है। इसके तमाम तरह के संकेत मिल रहे हैं बिहार के अंदर। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बयान भी दे रहे हैं चिराग पासवान के पक्ष में और कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ही निर्णय करना है कि वो किस विचारधारा के साथ रहेंगे, गोलवरकर के विचारधारा के साथ या फिर अम्बेडकर के जो विचारधारा के लोग हैं उनके साथ, इस तरह की बातें करते नज़र आए थे पिछले दिनों। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो सामने आई, जिस तरह से आरजेडी के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं श्याम रजक ने पिछले दो दिनों पहले जब चिराग पासवान से मुलाकात की, तो इस बात पर लगभग मुहर लग गई कि कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ, काफ़ी जो दूरियाँ थी अब करीब आ चुकी हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच। और जो खबरें हैं, जो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो खबर है, ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई है, मुलाकात होकर बात बन गई है, लगभग लगभग तय है। और जल्द ही चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो जाएंगे। जी हाँ, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो जाएंगे। बिहार की सियासत में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा। जिस तरह से NDA के भरोसे बैठे हुए थे चिराग पासवान, पीएम मोदी को अपना हनुमान राम बता रहे थे और खुद को अपना हनुमान बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भाव नहीं दिया। पिछले दिनों क्या हुआ आपको पता ही है कि LJP के अंदर जिस तरह से उनके जो चाचा पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों को लेकर एक अलग गुट बना लिया और केंद्र में मंत्री भी बन गए, और चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। अब चिराग पासवान अपने चाचा के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि खरी खोटी सुनाने से बीजेपी बाज नहीं आई चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान समझ गए कि कोई राम नहीं है और कोई हनुमान नहीं है, सियासत में सब जो है वक्त और मौके के मौका परस्त हैं। तो अब चिराग पासवान ने इसके बाद आशीर्वाद यात्रा निकाली है और आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो लोगों का आशीर्वाद बटोर रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, बिहार के कई जिलों में जा रहे हैं। अभी दूसरे चरण में उनकी यात्रा फिर से शुरू होने वाली है 16 तारीख को। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के मुलाकात की हम बात कर रहे हैं और जल्द ही ये मुलाकात होने वाली है आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदरूनी सूत्रों से ये हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जल्द ही एक होने जा रहे हैं। अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर एक हो गए तो समझ सकते हैं कि किसकी मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो CM नीतीश कुमार की। जी हाँ, CM नीतीश कुमार की दोनों मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। और दिल्ली में अगर बात करें तो लालू यादव जो RJD सुप्रीमो हैं और चिराग पासवान तेजस्वी यादव, इन तीनों की मुलाकात होगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान मिलेंगे, ये बात लगभग मानी जा रही है कि कुछ दिनों के अंदर ही यह मुलाकात हो सकती है। जिस तरह से पिछले दिनों श्याम रजक ने मुलाकात की, हालांकि मुलाकात उन्होंने कहा कि ये पर्सनल मुलाकात थी, ये घरेलू मुलाकात थी, पुराने संबंध है इसके वजह से वो मिले। हालांकि मुलाकात होती है तो यूं ही नहीं होती सियासत में। और श्याम रजक, जैसा कि बताया जा रहा था, कि तेजस्वी यादव के दूत बनकर गए हैं चिराग पासवान के पास, उनका ऑफर लेकर गए हैं। और पिछले दिनों आपको बताएं कि बिहार में जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी चिराग पासवान की बात फ़ोन पर तेजस्वी यादव से हुई थी, ये खबरें भी सामने आई थी। RJD के विधायकों ने उनकी बात करवाई थी, तेजस्वी यादव से बंद कमरे में बात हुई थी फ़ोन पर, और आगे के लिए तमाम जो समीकरण हैं वो तैयार किए जा रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल होंगे चिराग पासवान तो क्या कुछ समीकरण होगा, किस तरह का स्वरूप होगा। तो इसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही है, यानी चिराग पासवान और तेजस्वी का गठबंधन बिल्कुल सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है हम आपको अगर बताएं तो, क्योंकि तमाम तैयारियां चल रही है अंदर खाने में ये तैयारी चल रही है कि चिराग और तेजस्वी एक साथ आएंगे। और ये बात लगभग तय भी मानी जा रही है, तेजस्वी यादव तो ऑफर दे ही रहे हैं चिराग पासवान को बार बार। अगर चिराग पासवान का भी मन अगर टटोले आप पिछले दिनों के बयान को देखें तो चिराग पासवान भी गठबंधन से, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन से सीधे तौर पर इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि NDA गठबंधन में जिस तरह से उन्हें धोखा मिला, वो धोखे की बात कह रहे हैं बार बार, बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया, बीजेपी के इशारे पर, जैसा कि उन्होंने बताया भी था पिछले दिनों कि बीजेपी के कहने पर ही उन्होंने नीतीश कुमार के साथ इस तरह से खेल किया और उनका समीकरण बिगाड़ दिया। तमाम बातें बीजेपी के पक्ष में उन्होंने की, लेकिन बीजेपी ही उनके विरोध में खड़ी हो गई।
तो चिराग पासवान अब उनके पास ये सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वो महागठबंधन के साथ हो ले, और बार बार उन्हें ऑफर मिल भी रहे हैं, और जो खबरें हैं अंदर अंदर तैयारियां चल रही हैं एक होने की। बस अगर बात करें, अगर बताएं आपको, तो बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है, सामने तस्वीर खिंचवाना ही बाकी है, अंदर की सारी बातें तय हो गई हैं, क्योंकि मुलाकात लगातार हो रही है, बात लगातार हो रही है, और अब केवल लालू यादव के सामने चिराग पासवान जब मिलेंगे जिस दिन, और वहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे। आपको बताएं कि लालू यादव दिल्ली में ही हैं और चिराग पासवान भी फिलहाल दिल्ली में ही हैं। हालांकि इधर इतनी जल्दी में सब कुछ होगा कि नहीं, पर जो तैयारियां चल रही हैं अंदर से, जो खबरें आ रही हैं कि बात लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है, डील फाइनल हो चुका है चिराग और तेजस्वी के बीच, अब बस लालू से मिलकर आशीर्वाद लेना है। तो लालू यादव से मुलाकात होगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा, और तस्वीरें जो दिखेंगी बिहार की सियासत में कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ साथ चलते दिखेंगे, और सबसे ज़्यादा मुश्किलें अगर बढ़ेंगी तो सीएम नीतीश कुमार की, यानी सीएम नीतीश कुमार ने जो दांव खेला चिराग पासवान के खिलाफ, कहीं उन्हें ही उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह से लपक लिया है चिराग पासवान को, तो अब मुश्किलें सबसे ज़्यादा जेडीयू की ही बढ़ने जा रही हैं। बने रहिए आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।